क्या हाल चाल है भाई लोग गुड इवनिंग एवरी वन जी आ जाइए जय श्री राम जय श्री राम फॉर्मेलिटी हाइड इज इलेक्ट्रो फाइल और न्यूक्लियो फाइल फॉर्मेलिटी हाइड इलेक्ट्रो होता है बेटा टेंशन नहीं लेने का इलेक्ट्रोफाइल होमवर्क किया है आप लोगों ने बताइए होमवर्क किया है क्या जय महाकाल आ जाइए होमवर्क किया है या नहीं बस ये बताइए डन बहुत अच्छे ये कुछ कंपाउंड्स इंटरमीडिएट्स uh, थे जिसमें हमें पता करना था हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं तो मैच यो आंसर मैच यो आंसर क्या यही आंसर है चेक इट जल्दी बताइए ये देख ले आंसर मैच कराएं जरा थ में नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन सिक्स में भी नहीं होगा एंड एट्थ में भी हाइपर कंजुकेशन होगा डिट्टो आंसर है वेरी गुड डिट्टो आंसर है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे यहां बताइए इसमें भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है चेक इट राइट नाउ सारे देख लो फाइव एंड एट में क्यों नहीं है मेरे भाई कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है जो कंडीशन बताई गई है वो एप्लीकेबल नहीं है इसलिए नहीं है सेम आंसर लक्ष्य वेरी गुड विष्णु वेरी गुड वैभव अप्रतिम वेरी गुड एक रॉन्ग हो गया एक के डी मेरे भाई जरा ध्यान से देखें इसमें तो कोई sp3 थ्री कार्बन है ही नहीं जो उस एच तो बात की बात है इसमें भी नहीं है और यहां भी एसपी थ्री कार्बन इसके बगल में होना चाहिए था ना यहां या या देखो यहां है बट एच नहीं है एच नहीं है सिमिलरली ये देखो यहां एच नहीं है बाजू में एसपी थ्री कार्बन तो है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है सेम एर्थ में आप देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है वेरी गुड मान्या वेरी गुड मान्या ये क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन के थे कंजुगेटेड का मतलब यह है कि हमने रेजोनेंस में पढ़ा था दो यूनिट्स कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से बाय सिंगल बॉन्ड ऑल करेक्ट क्या बात है भाई साहब ऑल करेक्ट है ऑल करेक्ट यहां आपको बताना था टोटल नंबर ऑफ एचएस एस हा हा क्षितज लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा चलो इसका आंसर बताओ सेकेंड का आंसर क्या है सुमित बेटा कंडीशन चेक करो कंडीशन में सब लिखा है मैंने ओके ऑल करेक्ट है बहुत अच्छी बात है सेकेंड का आंसर क्या है इसके कितने टोटल नंबर ऑफ एच एस एक आंसर आया एक 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 एक, 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 एक डी भी बोल रहे हैं यस तनिष्क देव सब ने बोला है वन इज राइट आंसर क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक एल्फा एच बिल्कुल सही डू यू थिंक फॉर फोर्थ फोर्थ का जवाब दो फोर्थ का फोर्थ का जवाब मुझे चाहिए फोर्थ का जवाब फोर्थ का बोलो भाई ट्वेल्व क्या बात है प्रियांशु सुधांशु किरण और कौन है ये हरेंद्र वेल्डन अनुराग हतीम ट्वेल्व ट्वेल्व इज वो राइट आंसर क्या आप देख रहे हो डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के एच और वो अगर हम देखें तो वो है आपके बारह तीन तीन 6, तीन नौ तीन, तीन, तीन बारह ऐसे करेंगे इसके सिक्स इसके सिक्स इसके एट इसके नाइन इट अल्फा कार्बन कैसे फाइंड करें डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन है डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन जैसे इससे ये डायरेक्ट जुड़ा वाला ये अल्फा है ये अल्फा कार्बन है इसके आगे वाला अम्बीटा बोलने लगता है इसके आगे वाले को अम्बीटा बोलने लगते है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऑल करेक्ट आ रहा है सबका लिखकर बहुत अच्छी बात सारे सही हो रहे हैं अभिनव कह रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वाला क्वेश्चन आई आई टी जे एडवांस में आया था आई आई टी एडवांस पी क्यू क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का छ आंसर था ये क्वेश्चन हमने पहले किया था छह आंसर था इसका सिक्स वॉज द आंसर बहुत अच्छे वेरी गुड अप्रतिम सुधांशु आइए 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 कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के ये किए हैं क्या आप लोगों ने सच बताओ क्या ये क्वेश्चन किए हाँ अनुराग बेटा अनुराग जिंदगी में कुछ टफ और कुछ इजी नहीं होता हमें जो आ जाता है वो इजी हो जाता है हमें जो नहीं आता वो टफ हो जाता है सिंपल फंडा तो अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई आपको अभी फोर्थ का जवाब देना है फोर्थ का आंसर वन टू थ्री बताया गया है फोर्थ का आंसर वन टू थ्री मेरे भाई ये जवाब पूरी तरीके से सही है वन टू थ्री अब बताइए इसमें किसी को डाउट है क्या पहले मुझे बताओ ये केटायन है तो केटायन में सबसे पहले क्या देखते हैं यहां तरीका बताया गया कार्बो केटाइन में सबसे पहले प्लस आर देखते हैं मुझे बताओ क्या इसमें किसी में प्लस आर है क्या क्या इसमें किसी में प्लस आर है क्या नहीं है प्लस आर प्लस आर नहीं है दोस्त तो मेरे भाई क्या देखेंगे फिर प्लस एच प्लस एच तो है यहां सी एच बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां सी डी बॉन्ड है उसके जाएंगे यहां सी टी है उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे मुझे यह बताओ कौन सी बॉन्ड ज्यादा प्लस एच कर सकता है सी एच जैसी वीक बॉन्ड या सी डी जैसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या सी डी जैसी स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड किस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्लस के पास पहुंचेंगे जवाब दो मेरे सवालों का जवाब दो जवाब देना ही होगा दीजिए जवाब दीजिए क्यों नहीं दे रहे जवाब सी एस थ्री वाले से इसलिए इसका आंसर आया वन टू थ्री वन वाला ज्यादा स्टेबिलाईज है देन टू वाला एंड मुझको ऐसा लगता है कि क्या सेम आंसर रेडिकल के लिए विथ सेम लॉजिक सेम आंसर सेम लॉजिक विद रेडिकल सेम आंसर सेम लॉजिक रेडिकल खुशी बेसिक्स आने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्डिंग के uh, उसके बाद आप जीओसी आराम से कर सकते हैं उसके बाद चीओसी आप आराम से कर सकते हैं हाँ ना बताइए 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 मेरे भाई आइए अब हम बात करेंगे एनआईएन की कोई मुझे एनआईएन का आंसर बता दे लॉजिक के साथ बताना ये माइनस ये माइनस आया बताओ माइनस में सबसे पहले क्या चेक करते थे माइनस में सबसे पहले हम चेक करते थे क्या देख देखते देखते कार्बेनाइड में माइनस आर माइनस एच माइनस आई उसके बाद चेक करते थे मेरे भाई ना माइनस आर है ना माइनस एच है ना माइनस आई है यहां है तो केवल प्लस आई इफेक्ट बताओ यार ये प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा सी एस थ्री सी डी थ्री ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा प्लस आई जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा सारे बोलो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा प्लस आई से मुझको ऐसा लगता है प्लस आई तुमको पता है सी थ्री ने दे दिए खूब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देकर तुमने माइनस की ऐसी की तैसी कर दी जवाब आया वन टू थ्री एंड रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या है भैया बताओ जरा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट चेक इट हा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब सेम लॉजिक सेम लॉजिक यहां भी मिल रहा है मेरे ख्याल से तुम्हें इसका आंसर है फोर थ्री टू वन आंसर है प्लस एच की वजह से एट्थ का आंसर है फोर थ्री टू वन आंसर है प्लस एच की वजह से रेडिकल का नाइन्थ का आंसर आ जाएगा आपका क्या फोर थ्री टू वन एंड आंसर है प्लस आई की वजह से चेक एट चेक 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 नाइन्थ तक आंसर हो गया नाइन्थ तक आंसर हो गए Nine तक आंसर रीजन मैंने साथ में लिखा हुआ है रीजन मैंने साथ में लिखा अनुराग यहां इंडक्टिव लग रहा है इंडक्टिव सबसे ज्यादा सी थ्री करता है प्लस आई इफेक्ट में पढ़ा है सी थ्री करता है टेंथ मुझे कोई बताएगा क्या आंसर है थ्री टू वन रीजन है प्लस आई आंसर है थ्री टू वन रीजन है प्लस आई आंसर है वन टू थ्री रीजन है प्लस आई चेक क्विक एंड फास्ट ऑल राइट आंसर वेरी गुड सारे बच्चे देखो एसपंथी नहीं वैभव कह रहा है किटाइन और रेडिकल का ऑर्डर हमेशा सेम आएगा नॉट ऑलवेज ट्रू हमेशा सही नहीं होगा आई I मीन mean, हमेशा सेम नहीं होगा कांट so, से हमेशा सेम आएगा ना 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 पेड़ से देखो जो रीजन सेवेंथ का है वही रीजन एट्थ का आएगा हाइपर कंजुगेशन बताओ हाइपर कंजुगेशन वीक बॉन्ड ज्यादा लगाएगा देन स्ट्रॉन्ग तो देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग डी कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा यहां एक एच ने रिलेटिवली बेहतर किया दो एच ने बेहतर किया तीन एच ने बेहतर किया बहुत अच्छे मेरा भी ऑल करेक्ट सुभम क्या बात है भाई साहब आओ 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 थर्ड इंट में मुझको ये बताओ क्या इसका आंसर टू थ्री वन आया है रीजन है प्लस एच इफेक्ट इसका एल्फा एच है एक इसका एल्फा एच है तीन तीन दो कितना हो गया आठ इसका एल्फा एच है तीन और एक चार समझ रहे हो आप तो रीजन है टू थ्री वन मुझको लगता है रेडिकल में भी आएगा टू थ्री वन प्लस एच मेरे भाई अब बात करेंगे हम एनायन की अब वो होगा वन थ्री टू और ये आया प्लस आई की वजह से मैं लिख देता हूं क्वेश्चन लिख देता हूं जरा आप ध्यान से देखें एनायन क्या आप डिग्री ऑफ एनायन देख रहे हैं यहां माइनस को एक ही ग्रुप बढ़ा रहा है यहां तीन ग्रुप बढ़ा रहे हैं यहां दो ग्रुप बढ़ा रहे हैं ध्यान से देखो ध्यान से ध्यान से देखो सारे बच्चे सारे बच्चे देख लिए क्या अभिमन्यु सी थ्री का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस आई उसके लिए इंडक्टिव जाकर चेक करिए इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है अर्पित सब करेंगे अब धीरे धीरे टेंशन नहीं लेने का मेरे ख्याल से सिक्सटींथ का अभी हम एक आंसर ऐसा लिख सकते हैं फोर थ्री टू वन सही है या नहीं रेडिकल का भी आंसर आएगा फोर थ्री टू वन एंड एनाइन का आंसर है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सही है या नहीं आकाश ने बोला है कि आप एनआईएन में एच प्लस एच क्यों नहीं लगा रहे बट uh, आकाश इतनी ही समझ का फेर है एनआईएन में प्लस एच होता ही नहीं uh, क्योंकि सब एस पी थ्री रहता है क्या ही बताएं आपको क्या ही बताएं आपको मेरे भाई सिक्सटींथ का एक्चुअल रीजन एंगल स्ट्रेन है जो हम मोस्ट uh, प्रॉबली आज या अगली क्लास में पढ़ेंगे फिलहाल एक देसी एक्सप्लेनेशन में आपको समझा सकता हूं बट रियल एक्सप्लेनेशन एंगल स्ट्रेन है। देसी देसी देसी। एक्सप्लेनेशन एकदम प्योर रेजोनेंस है नहीं ठीक है ए एल्फा एच सेम है एल्फा एच सेम है तो आता है इंडक्टिव क्या यहां दो ही कार्बन क्या यहां तीन कार्बन कर रहे हैं क्या यहां चार कार्बन और क्या यहां ज्यादा कार्बन का जितने ज्यादा कार्बन होते जाते हैं उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है क्योंकि आपको प्लस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर याद होगा सी एस टू सी एस थ्री का ज्यादा था सी एस थ्री से एंड प्रोपाइल का ज्यादा था इथाइल से तो जितने कार्बन बढ़ते जाते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना बढ़ता जाता है लेकिन ये टोटली देसी एक्सप्लेनेशन है प्योर एक्सप्लेनेशन एंगल स्ट्रेन है जो एंगल स्ट्रेन हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे एंगल स्ट्रेन यस साइ यू आर राइट यू आर राइट एब्सोल्यूटली करेक्ट तो जल्दी से देख लें गॉड ब्लेस यू और पित आउज याओ आया नाइनटींथ का आंसर कौन बताएगा नाइनटींथ का आंसर नाइन का आंसर बताओ नाइनटींथ का आंसर टेल मी अबाउट नाइनटींथ क्या है जवाब बताइए 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 रेजोनेंस वेरी गुड टू ग्रेटर देन वन और ये है ड्यू टू रेजोनेंस मेरे भाई अब आप ध्यान से देखो क्या सबका आंसर यही आएगा या नहीं क्या सबका आंसर यही आएगा एंड ट्वेंटी टू में भी यही है ट्वेंटी थ्री में भी यही है ट्वेंटी फोर में भी यही है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है केटायन एन और रेडिकल केटायन एन आयन और रेडिकल सारे बच्चे देखो सारे बच्चे ट्वेंटी वन का रीजन बता दो अरे जो उन्नीस का रीजन है बीस का रीजन है वही इक्कीस का रीजन है ये माइनस जो है यहां रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है और जबकि ये माइनस को यहां बेंजीन स्टेबलाइज कर रहा है बाय डीलोकलाइजिंग नेगेटिव चार्ज मेरे भाई ट्वेंटी फाइव बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है पहले मैं ट्वेंटी फाइव का आंसर बता दून ग्रेटर यहां आपको टू पी टू पी ओवरलैपिंग मिलेगी जो कि टू पी थ्री पी ओवरलैपिंग से बढ़े हैं। आओ इसका इजी वर्जन बताता हूं दरअसल जब आप सी एफ थ्री प्लस लेते हो तो क्या आप देख रहे हो ये कार्बन खाली है पी ऑर्बिटल खाली है और फ्लोरीन का जो एक लोन पेयर है क्या वो इससे ओवरलैपिंग करेगा और इस ओवरलैपिंग में टूपी फ्लोरिन का कार्बन के टूपी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा ऐसा बाकी फ्लोरीन भी कर रहे होंगे तो ये ओवरलैपिंग बड़ी खूबसूरत सी हो रही है ठीक है लेकिन अगर हम यही काम सीएल में समझें तो कार्बन का टूपी खाली है एंड Cl का 3P लेके बैठा हुआ है। 3P 2P 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 ओवरलैपिंग ज्यादा बेहतर होती है ओवरलैपिंग कम हो जाती है जब साइज में डिफरेंस आने लगता है तो मोजेदार चीज है बहुत पूछी जाती है इसलिए आप पूरा ध्यान दीजिएगा सी एफ थ्री माइनस सी सी एल थ्री माइनस सी एफ थ्री माइनस सी सी एल थ्री माइनस मेरे भाई यहां अगर आप ध्यान से देखें सारे लोग देखिएगा यहां मैं बता देता हूं आपको C एफ 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 एंड ये है माइनस राइट लेकिन सीसीएल थ्री माइनस में रेजोनेंस हो जाता है कार्बन पर जो ऑर्बिटल भरा हुआ है ना वो सीएल के वैकेंट डी ऑर्बिटल से रेजोनेंस कर लेता है क्या तुम्हें याद है सीएल में डी ऑर्बिटल होता है और खाली होता है जबकि आपको पता है एफ में डी ऑर्बिटल नहीं होता तो यहां पीपाई डी पा रेजोनेंस हो जाता है ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम में भी बताया है टू ग्रेटर वन पी पाए डी पाय इन CCL3 सी एल थ्री माइनस CCL3 पाए डी पाए इन थ्री माइनस मेरे भाई रेडिकल का कोई आंसर मुझे बताओ तो मैं मान जाऊं सी एफ थ्री डॉट एंड सीसीएल थ्री डॉट बताओ जी बताओ बताओ बताइए यस यू आर राइट गॉड ब्लेस यू अरिंदम जल्दी बोलो जल्दी आ ओके अलग अलग आंसर दे रहे हैं लोग मैं आपको बता दूं रेडिकल में एक बहुत मजेदार चीज है रेडिकल में एक्चुअली चार्ज नहीं होता तो इसमें एक बड़ा खूबसूरत ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है बताऊं आपको देखना ये है कार्बन ये है फ्लोरीन ठीक है ये है फ्लोरीन ये है फ्लोरीन ध्यान से सुनना मजा आएगा मजा दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई अब कहानी कुछ यूं चालू होती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां है दिखते रहे ना अब बताओ क्या आप देख रहे हो कि फ्लोरीन का ये लोन पेयर है ओके क्लोरीन का ये लोन पेयर है अच्छा जी ऐसे बाकी एटम फ्लोरीन और क्लोरीन के पास होंगे क्या तुम्हें पता है इसमें रेजोनेंस होगा क्या इससे इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे होंगे आपको लग रहा है टूपी टूपी बढ़िया है ये होने दो यही आंसर होना चाहिए वेट 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 इधर ओवरलैपिंग होगी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सच बताना क्या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज आने लगेगा या नहीं क्या इस कार्बन को बीच वाले को जब सीएल से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या इस पर नेगेटिव आने लगेगा और ये नेगेटिव वो आगे वाले सीएल के वैकेंट डी में डाल देगा ओ भाई साहब जे क्या था एक सीएल ने किया है पुश और दूसरे सीएल ने क्या किया है पुल दिस इज कॉल्ड पुश पुल इफेक्ट एक सीएल ने दिया ये लो और इस वाले सीएल ने लिया यहां पीपा डी पाए और यहां पी पाए पी पाए पुश पुल इफेक्ट आप सीसीएल थ्री डॉट में देख रहे हैं जिसकी वजह से आंसर है टू ग्रेटर देन वन टू ग्रेटर देन वन रीजन आपके सामने लिखा है पुष्पुल इफेक्ट पुष्पुल बहुत सिंपल है एक ने दिया पीपाए पीपाई से और कार्बन जो कार्बन है उसने पीपाए डीपाई से दूसरे सीएल को टंगा दिया है हाँ न चेक 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 एफ के कारण नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया बड़े डैश हो अभिमन्यु नेगेटिव आया रे गधे नेगेटिव आया बट वो नेगेटिव कहां देगा फ्लोरीन में नहीं होता डी आ तो गया नेगेटिव फ्लोरीन में डी नहीं है बेटा जब डी नहीं है तो क्या हो? क्या करेगा वो नहीं है फ्लोरीन में डी यस yes, यमन यू आर राइट यस अमन यमन यू आर राइट चलो जल्दी से बोलो 28 का जवाब 28 का जवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी एट का जवाब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी एट का जवाब मेरे ख्याल से आंसर आया होगा आपका जल्दी बोलो जल्दी एक गंदी बात नहीं करना टू गेट देन वन आंसर है आप देखिए पहला है प्लस आर है ही नहीं किसी में प्लस आर नहीं है नहीं है नहीं है प्लस आर क्या है इसमें फिर आया प्लस एच इसके हैं दो, इसके हैं दो तीन पांच अबे ये माइनस आर करता है डैस माइनस आर करता है क्या पढ़े हो तुम डबल बॉन्डो टाइप की चीज माइनस आर करती प्लस आर किसी के में नहीं है राइट तो हम आ गए प्लस एच इसके दो हैं और इसके पांच हैं तो टू ग्रेटर एन वन ये तो होना ही था मेरे भाई अब रेडिकल पे चलते हैं। क्या तुम्हें याद है रेडिकल में मैंने एक बात बताई थी कि रेडिकल माइनस आर से भी स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं इसलिए आंसर है देखो जो कोई बोल रहा था किटायन और रेडिकल का आंसर सेम, सेम आता है उनके लिए ये वन ग्रेटर देन टू इसका रेडिकल कार्बोनाइल के बगल में बहुत बढ़िया फील करता है ये देखो सही है या नहीं एंड भाई साहब बात अगर हम करें एनाइन की तो एनाइन को तो मोजा आ जाएगा यार माइनस आर से तो एनाइए नच नहीं लगता है वन ग्रेटर एन टू माइनस आर ये इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीजें हैं इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीजें हैं सारे देखो हाँ 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 रेडिकल में रेजोनेंस हुआ है एंड एनाइन में रेजोनेंस हुआ है बिल्कुल 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 सही है रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है माइनस आर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन में रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है माइनस आर से स्टेबलाइज हो रहा है ठीक है जी आज का टारगेट है भैया दो तीन चार टॉपिक खत्म करने ओके के okay, so पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने में एकदम टेंशन नहीं लेना है आओजी ये हमने पढ़ लिया थर्टी थ्री थर्टी फोर पर चलते हैं एकदम बातें नहीं ये सी एस टू प्लस 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 मेरे यहां पर है सी एस थ्री यहां है एच यहां है ओ सी एस थ्री और यहां है एनओ टू थर्टी फाइव में अब मैंने शॉर्ट कर दिया है कार्बे नाइन यानी कि थर्टी फोर का ही कार्बे नाइन बना लीजिएगा थर्टी फोर का ही कार्बेनाइन बना लीजिएगा सारे बच्चे ध्यान से सुनो देखो और समझो सारे बच्चे ध्यान से सुनो देखो और समझो हडी सेवन इसी का कार्बेनाइन है ठीक है यस yes, साई दोनों कंडीशन है इसलिए दोनों सो करता है सारे लोग चुपचाप बोर्ड पर देखें। जैसे ये प्लस ये प्लस यहां मिथाइल यहां मिथाइल थर्टी नाइन इसी का फ्री रेडिकल बना लेना फोर्टी इसी का कार्बेनायन बना लेना क्वेश्चंस तो की कमी नहीं है क्वेश्चंस तो खूब सारे मिलेंगे आपको मुशरते ये कि आप इंसान बनकर उन क्वेश्चंस को समझें ये है सी एस टू प्लस ठीक है जी ये है सी एस थ्री ये है सी एच टू प्लस ये है आपका ओ सी एस थ्री ये है सी एच टू प्लस और ये है आपका CH2+ एच टू प्लस एनओ टू टू ये आया कार्बेन आयन ठीक है फोर्टी टू के बाद को लेकर चलते हैं 43 पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये माइनस इसमें हर इंटरमीडिएट को कवर किया जा रहा है केटायन एनायन रेडिकल सब आएगा इधर टेंशन नहीं लेने का है ये प्लस ये प्लस ये प्लस फोर्टी फाइव एक और मजेदार बात बताऊं अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिया तो एसिड और बेस आपका हो जाएगा लोगों को एसिडिक एंड बेसिक स्टेड में बड़ी प्रॉब्लम होती है जबकि वो है केटायन एनाइन की स्टेबिलिटी वो है क्या कुछ नया नहीं है वो कैटायन और एनाइन की स्टेबिलिटी ही दिखाऊंगा मैं आपको आप देखेंगे केटायन एनाइन की स्टेबिलिटी है भाई साहब ये आया आपका प्लस ये आया आपका प्लस ये आया आपका प्लस ठीक है जी ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल सकते हैं ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, ये प्लस है। इसी का कार्बे ले लो इसी का कार्बेनायन ले लो फिफ्टियथ ये प्लस है बात नहीं करना एकदम चोपचाप टेंशन नहीं लेने का है अभी हमें क्या कुछ टॉपिक पढ़ने हैं छोटे छोटे जिससे आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी प्री रेडिकल इसी का ले लो कार्बिनायन इसी का क्या ले लें कार्बिनायन ये है प्लस डबल डबल और ये आया प्लस इसी का रेडिकल ले लो इसी का कार्बेनायन ले लो 56 सिक्स अरे गधे इसी का कार्बेनायन बनाना ना ये जो चीज है यही कॉपी करना यहां रेडिकल बनाना फिर यही कॉपी करना उसका कार्बेनाइन बनाना तुम ये नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं अजा हाफ सेंचुरी हो गई है बिल्कुल सही पेन उठाना तो बनता है फिफ्टी हाँ क्रॉस कर लिए हैं नॉट आउट फिफ्टी फाइव क्वेश्चन कौर के मोजा आएगा मोजा जो मोजा है ये मैं आप सबको देना चाहता हूं ध्यान से देखो फिफ्टी सिक्स ये है सी एच टू माइनस ये है ए नोट टू ये है सी एच टू माइनस ये है सी एन ठीक है जी फिफ्टी सेवन मेरे भाई ये है आपका सी एच टू माइनस एनओ टू ये सी एच टू माइनस सी एन ये फिफ्टी एट साई तुम बालक हो Who टोल्ड यू दैट यू आर ए बालक आओ बच्चों तुम्हें बताए ये डबल ये डबल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ये इधर ये इधर मेरे भाई यहां माइनस डबल 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 यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस फिफ्टी नाइन देखो कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस की कोई और छोर नहीं है मैं यहाँ सौ लिख दूंगा आईडी वहां हो सकता है कुछ नया डिजाइन दे दे बट इफ यू नो कॉन्सेप्ट आईडी वाले आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले सौ सो बार सोचेंगे और सोचने के बाद भी वो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो तुम निपटा दोगे समझ में आया या नहीं इसलिए टेंशन नहीं लेने का है भाई लाइफ में टेंशन नहीं चलेगी ठीक है मेरे भाई एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो मिक्स ऑर्डर है कैसा ऑर्डर है मिक्स ऑर्डर मैं चाहूंगा कि आप ये मिक्स ऑर्डर जो है ये दिमाग में रखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुन रहे हैं आप मतलब दो अलग अलग कैटेगरी की चीजें मैं इसमें मिक्स करूंगा अलग अलग कैटेगरी की चीजें जो हैं वो इसमें मिक्स होंगी तो तैयार हैं आप तुम अगर कहो तो अलग अलग कैटेगरी की चीजें मिक्स कर दू सिक्सटी फाइव नंबर रखेंगे दोस्त ठीक है देख लें यार कौन सा कैटेगरी बाकी है ये भी हो गया वो वाला भी कर दिया ये सब हो गया हम्म ठीक है जी ये प्लस ये प्लस राइट एक मिनट इधर है और इधर है सिक्सटी फोर यही फ्री रेडिकल एंड ये एक ऑर्डर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है बट ये ऑर्डर में पूरा आपको दे रहा हूं मेरे भाई ये कार्बो केटायन है जो बहुत स्टेबल केटायन माना जाता है नाम है ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ध्यान से देखें थोड़ा सा ट्राई मिथाइल का रीजन भी पढ़ेंगे इसका रीजन भी पढ़ेंगे पैर एक सात की रिंग का कैटायन आता है यह बहुत स्टेबल होता है पेर आता है तीन बेंजीन वाला कैटायन ओ माय गॉड और पैर आता है आपका दो बेंजीन वाला कैटायन पैर आता है एक बेंजीन वाला कैटायन आता है थ्री डिग्री केटाइन मर्सडीज साइन मर्सडीज साइन नाइन एल्फाएच नाइन एल्फाएच वाला यह केटाइन बेंजाइल केटाइन के रेजोनेंस को चैलेंज कर देता है चैलेंज कर देता मेरे भाई फिर एलाइल केटाइन है फिर आप देख सकते हैं आइसो प्रोफाइल केटाइन है बहुत क्लोज डिफरेंस होता है इसमें है आपका इथाइल केटाइन टायन पेराया मिथाइल केटाइन और अगर आप ध्यान से देखें डबल बॉन्ड पर प्लस आना गलत बात नहीं है गंदी बात गंदी बात मेरे भाई बहुत ही ज्यादा गंदी बात डबल पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई है तुम कर क्या रहे हो तुम्हें एक बढ़ी हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले पर तुम मेरे भाई है सोचा तुमने कभी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर प्लस लगाओगे तो उसके दिल के अंदर से तुम्हारे लिए डैश डैश नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा इसलिए पूरी केमिस्ट्री में आप नोटिस करना डावल और ट्रिपल पे प्लस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा यह एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो मैं चाहूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में रहे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कारबो केठन कारबो केठन ठीक है जी कारबो केटायन यस साई यू आर राइट गॉड ब्लेस यू सुमित आइए एक मजेदार चीज छोटे छोटे टॉपिक करेंगे लेकिन मैं आपको पहले कहीं लेकर चलता हूं ध्यान से सुनिए क्या आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे थे ध्यान से सुने ये पॉइंट्स हमने जो लिखे थे मेरे भाई इन पॉइंट्स में हमें स्टेबिलिटी निकालनी थी राइट इन पॉइंट्स में हमें स्टेबिलिटी निकालनी थी मानते या नहीं लेकिन आप एक बात याद रखें कि आप ये जो इफेक्ट आपने पढ़े हैं रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव ये इफेक्ट आप हमेशा नहीं लगा सकते क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं ये इफेक्ट आप हमेशा नहीं लगा सकते मेरी बात को ध्यान से सुनो क्यों नहीं लगा सकते वो भी बताता हूं ध्यान से सुनना भाई साहब अगर आपके मैथ्स में नंबर ज्यादा आए हैं और आपके दोस्त के फिजिक्स में नंबर ज्यादा आए हैं तो इट्स नॉट इजी टू कंपेयर यू ऑल यू बॉथ हा अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको कंपैरिजन सेम सब्जेक्ट या सेम कैटेगरी में करना पड़ेगा क्या आप मेरी बात मानते हैं अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको सेम कैटेगरी में कंपैरिजन करना है तो याद रखें अगर आप केटाइन में रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे भाई उससे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखें ध्यान से सुनना लाइक like, ध्यान से सुने कि एटम मस्ट बी सेम एटम मस्ट बी सेम ऐसा नहीं है कि एक में कार्बन पे प्लस एक में फ्लोरीन पे प्लस एक में क्लोरीन पे प्लस एक में नाइट्रोजन पे प्लस तुम लगा रहे हो वहां पे रेजोनेस ना 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 गलत बात है एटम मस्ट बी सेम अदरवाइज एटम मस्ट भी सेम अब कौन से एटम ध्यान से देखें. इसका मतलब समझना पूरी बात बताऊंगा मैं एटम मस्ट भी सेम का मतलब समझना चार्ज कंटेनिंग एटम मस्ट बी सेम अदरवाइज ध्यान से देखें। अदरवाइज या तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्लाई करेंगे अगर एटम सेम नहीं है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें हाइब्रिडाइजेशन से आंसर दें या एंगल स्ट्रेन इससे आंसर दें अगर आपके सारे कीटाइन या सारे एनायन में एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गई लगाओ इफेक्ट कोई नहीं रोकेगा अगर आपके दिए हुए सारे कीटायन और एनायन में हाइब्रिडाइजेशन सेम है लगाओ इफेक्ट

कम है अगले में ज्यादा और ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं लगा सकते दोस्त इफेक्ट सीधा लगाएंगे हम एंगल स्ट्रेन का फॉन्डा तो मेरे भाई मैंने आपको इतने सेगमेंट्स दिए हैं तो अब हम आपको लेकर चलते हैं दो बेहतरीन चीजों की तरफ जिसमें आपको मोजा आएगा चले जी चले आओ बच्चों तुम्हें बताएं चलिए जिस जिस चीज की बात हुई है वो यहां पे हम करने जा रहे हैं ओके लुक एट बोर्ड पहला एक छोटा सा टॉपिक है बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी तारे देखना बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा आने वाला है बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी बेयर एक साइंटिस्ट था ये सब यूज होंगे क्वेश्चंस में एक साइंटिस्ट था अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन समय के साथ लोग उसे डैश बोलने लगे थे अरे कर लेंगे रे आस्तित्व तो सुनो पहले समय के साथ लोग उसे डैश बोलने लगे थे एक दिन उसका मूड खराब हुआ और उसने राह चलते एक मीथेन को दबोच लिया मीथेन को एक मीथेन को दबोच लिया रे भाई एक मीथेन को दबोच लिया जो मैंने थोड़ा डैश डैश बना दिया है वो हाइड्रोजन आपसे दूर है इसलिए धुंधला दिख रहा है और जो मैंने डार्क बनाया है वो आपकी तरफ है इसलिए डार्क दिख रहा है मेरे भाई मीथेन को दबोच लिया मुझे बताओगे क्या मीथेन में एक्चुअली बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई लोग बताओ जरा बताओ मीथेन में एक्चुअली बॉन्ड एंगल कितना होता है मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है बदाओ, बदाओ, बताओ 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 बॉन्ड एंगल अगर आपको मालूम है तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स राइट right? मीथेन को दबोच लिया और भाई साहब जबरदस्ती पीछे रहा क्या बात कर रहे हो यस yes! जबरदस्ती उसके सारे हाइड्रोजन को 90 डिग्री पे कर दिया समझना जरा मीथेन कह रहा नहीं रहने दो छोड़ दो जाने दो ये क्या कर रहे हो लेकिन मेरे भाई बेयर्स जो था वो फंडा सीखने के लिए कह रहा हम कुछ भी करेंगे 90 डिग्री बताओ जरा मीथेन को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है सच बताना है एक सौ डिग्री पर था पहले अब 90 डिग्री पर भैया एंगल कम हो गया चीजें पास पास आ गई चीजें पास पास आ गई तो लगेगा रिपल्सन और रिपल्सन लगेगा तो मामला गड़बड़ाएगा हाँ या ना मेरे भाई बेयर्स को पता नहीं क्या मजा आ रहा था 90 डिग्री पर उसने यह करके और इसे जैसे ही छोड़ा ये कूद के भाई साहब इधर भाग जाएगा और अपने 109 डिग्री के एंगल को मेंटेन कर लेगा क्या तुम ये बात समझ पाए हो 109 डिग्री के एंगल को मेंटेन कर लेगा ओ भाई साहब जाते जाते वो कुछ और भी बोल रहा था लेकिन हम उन चीजों से अलग रहते हैं आइए समझते हैं फिर बेयर ने स्ट्रेन एंगल थ्योरी क्या दी बहुत कॉमन सेंस की बात है सारे लोग देखें फिर इसने बोला फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ एसपी थ्री एटम सही बात है बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल बहुत ध्यान से सुनना मजा आएगा ये कह रहा है अगर किसी एसपी थ्री एटम को मैक्सिमम स्टेबल होना है ंगल मस्ट बी क्लोज मस्ट बी क्लोज टू हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी अगर मैक्सिम स्टेबिलिटी चाहिए तो बॉन्ड एंगल एक सौ नौ अट्ठाइस के आसपास रहना चाहिए अब वो कहेगा बेयर्स को यह कॉमन सेंस नहीं था आ रहा जब वो काम कर रहा था तब भैया इतनी सारी चीजें नहीं पता थी जितनी तुम्हें आज पता है आज तुम डेस्टपंथी कर रहे हो अब सुनना क्या हुआ एक दिन एक दिन उसकी नजर पड़ी कुछ साइक्लो साइक्लो एल्केन्स मेरे भाई बेयर जब ये काम कर रहा था तब तक साइक्लो एल्केन्स को प्लेनर माना जाता था प्लेनर तीन किरिंग ऐसी, चार किरिंग ऐसी, पांच किरिंग ऐसी, छह किरिंग ऐसी प्लेनर, सीट लाइक स्ट्रक्चर माना जाता था ओके, okay, को तब तक क्या माना जाता था कंसीडर्ड एज प्लेनर कंपाउंड्स। मेरे भाई ध्यान से सुनना। साइक्लो का मूड खराब हो गया और सुनेगा जी क्या बवाल है भाई ये देखो साइक्लोप्रोपेन कहा गए तुम ये साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन देखो मगर बोर्ड पर क्या यहां दो हाइड्रोजन भी होंगे या नहीं होंगे या नहीं मेरे भाई उसने देखा देख के उसका मूड खराब हो गया बताओ जरा क्या ये कार्बन सब एसपी थ्री है या नहीं क्या ये कार्बन सब एसपी थ्री है या नहीं और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री इसका कितना है नाइन्टी डिग्री इसका कितना है एक सौ आठ डिग्री इसका कितना है एक सौ बीस डिग्री अब भैया ये कहा हो कहा गया भैया पेज आ जा रे अबे यार हटो तुम हाँ जी मेरे भाई ये एंगल और उसने कहा मैक्सिम था मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी एक सौ नौ के आसपास तो बताइए क्या ये बात समझ में आई या नहीं कुछ पॉइंट्स हमें पता है कि जैसे अगर स्टेबिलिटी की बात करें क्या स्टेबिलिटी होगी वो वन अपॉन स्ट्रेन होगी या नहीं स्ट्रेन बोले तो दिक्कत स्ट्रेन बोले तो दिक्कत यस मुझे भी लग रहा बेयर्स की जो आत्मा है वो इस थ्योरी के इर्द गिर्द घूम रही है मच्छर के फॉर्म में मॉस्किटो के फॉर्म में ये मॉस्किटो ना लायक पता नहीं कहां से आ गया और ये जैसे ही स्क्रीन को टच करता है ये स्लाइड बदल देता है हैं तातिर है या हो सकता है केमिस्ट्री प्रेमी हो हा हाँ आइए 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 ध्यान से देखें बे स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वन अपॉन स्ट्रेन के स्ट्रेन दिक्कत प्रॉब्लम सही बात है या नहीं आइए एक छोटी सी बात में आपके मुंह पे मारना चाहता हूं वो सारे लोग देखें मेरे भाई आ, क्या मैं आपको एक वाक्य सुना सच बात बताऊं सच बात सच बात बताऊं हमारे बीच में एक बच्चा है ऋषभ ये लिख रहा है तनाव इक्वल टू स्ट्रेन इसे काफी कुछ काफी कुछ इसे पता है ठीक है तो इसके बारे में एक सीक्रेट बात बताता हूं क्या आप लोग ऋषभ की सीक्रेट बात जानना चाहते हैं और मैं देखिए किसी की पर्सनल बातें तभी बताऊंगा जब वो अलाउ करेगा ऋषभ क्या आप कंफर्टेबल हो अगर आपकी पर्सनल बातें यहां थोड़ी सी शेयर की जाए ऋषभ का जवाब का इंतजार है, है? रिशब का सब का आंसर नहीं आया सबका आ गया यस सर है अरे जिसकी पर्सनल बात है उसका उसका तो आना चाहिए जब आप हकीम भी हकीम साहब भी आ रहे हैं कह रहे हैं इनकी बात बता दो उसकी रहने दो वो कह रहा है मेरी बात कर लो अरे ऋषभ कहां भाग गया अंडरग्राउंड आ गया आ गया आ गया नहीं सर मैंने रुद्र का हाल देखा था इसने मना कर दिया दूसरे को लेते हैं दूसरे को लेते हैं भाई और हमने सेलेक्ट किया है अक्षत अक्षत ने कहा इनकी बात कर सकते हैं इनकी पर्सनल बात आपसे शेयर कर सकते हैं और अक्षत भाई बाद में मत कहना सबके सामने आपने दिए परमिशन आज मैं आपको बताऊंगा अक्षत रात में बता दूं अक्षत सोच लो अभी भी मामला पूरा निकला नहीं है अक्षत भाई आज मैं बताने जा रहा हूं अगर आप हाँ अक्षत भाई रात में सोते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा इनके सोने का तरीका बताऊंगा मैं आपको मेरे भाई ये रात में जब सोते हैं तो ये बिस्तर पे पेट के बल लेट कर और ऐसे हाथ करके सोते हैं। समझ रहे हैं ऐसे हाथ करके सोते हैं। मेरे भाई आप समझना इन्हें आनंद आता है बहुत आनंद आता है सोने में जब इनके दोनों हाथ के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 एट मिनट आराम आरामदायी से एकदम पेट के बल समझ रहे हो ना हाँ, एकदम अब ये इनका मतलब स्टेबल एंगल है दोनों हाथ 109 और 28 पे अब इनका क्या इनके घर से फोन आ गया इनके घर से फोन आ गया और इन्हें बोला गया कि तुम्हारे जो दो कजिन हैं वो जा रहे हैं अब मेरे भाई इनका मूड खराब एक आया अगले दिन और एक लेटा आजू एक लेटा बाजू और उस रात जो है ये भैया डेल्टा डिग्री का एंगल स्ट्रेन अपने दोनों हाथ में लेके ऐसे नहीं थे ऐसे थे रात भर इधर देख रहा इधर मन कर रहा फेंक दो इसे मन कर रहा इसे फेंक दो है हाँ ना रात भर ये डेल्टा डिग्री के एंगल स्ट्रेन एक हाथ में डेल्टा भाई साहब एक हाथ में डेल्टा और ये रात भर बेचारा एल्फा के एंगल पे रहा है रात भर एल्फा के एंगल पर रहा है मेरे भाई क्या एक छोटा सा हम स्ट्रेन एंगल फॉर्मूला निकाल सकते हैं या नहीं जल्दी बोलो जल्दी बताइए क्या है डेल्टा प्लस एल्फा प्लस डेल्टा ये है डिग्री 28 मिनट्स और यहां से अगर आप डेल्टा एक हाथ में एक बॉन्ड में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हंड्रेड नाइन ट्वेंटी एट माइनस अल्फा राइट राइट right, बिल्कुल सही बात है या नहीं मेरे भाई आइए हम तीन चार पांच सारी रिंग के लिए निकाल लें एल्फा सिक्सटी एल्फा नाइनटी एल्फा एक सो एट एंड एल्फा एक सो बीस वन ट्वेंटी एक सो ट्वेंटी हाँ या ना मेरे भाई रफ वैल्यू लिखूंगा यहां पर यहां आ जाएगा कुछ प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव डिग्री यहां आ जाएगा कुछ नाइन पॉइंट फाइव डिग्री यहां कुछ आ जाएगा प्लस पॉइंट फाइव डिग्री और यहां आ गया कुछ माइनस फाइव पॉइंट फाइव डिग्री मेरे भाई रात भर ये ऐसे लेटा रहा सुबह जब हुआ तो ये भाई साहब इसने रात भर में ऐसे इसे, इसे एक सौ नौ पर सो रहा था एक कजिन उधर नीचे गिरा था एक कजिन इधर नीचे गिरा था दोनों उठे और उन्होंने मन ही मनी से डैश डैश बोला और अगली रात की बात बताता हूं ध्यान से सुनना अगली रात को जब ये गए तो ऋषभ भाई दोनों कजिन ने कहा भैया आप ना एक सौ नौ अट्ठाईस पे सो फैल के हमें कोई दिक्कत नहीं है हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे सही बात है या नहीं तो भैया ऋषभ को बड़ा अच्छा लगा कि कितने अच्छे कजिन हैं एक सौ नौ अट्ठाइस पे अभी इन्होंने हाथ किया और लेटे ही थे कि एक कजिन इस वाले बाजू को पकड़ के और एक इस वाले बाजू को पकड़ के बाहर की तरफ लटक गए बाहर की तरफ लटक गए ऋषभ के मुंह से चीख निकल गई क्या आप माइनस साइन का मतलब समझ रहे हैं माइनस साइन का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रेन माइनस साइन का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रेन स्ट्रेन अंदर था पहली रात अंदर था दूसरी रात स्ट्रेन बाहर की तरफ हो गया हा या ना जल्दी बताओ बाहर की तरफ स्ट्रेन माइनस इज सोइंग एक्सटर्नल स्ट्रेन माइनस क्या शो कर रहा है एक्सटर्नल स्ट्रेन मेरे भाई माइनस प्लस केवल डायरेक्शन बता रहे हैं तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस पे हाँ हाँ अक्षत भैया ठीक है तुम कॉन्सेप्ट फोकस ना करो नालायक कहीं का वो कह रहा है सब नहीं है वो अक्षत है तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस पे सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस पे जवाब दो जवाब मेरे सवालों का जवाब दो तो भाई साहब बेयर्स के हिसाब से अगर हम बात करें बेयर्स की तो बताइए स्ट्रेन ऑर्डर क्या आएगा स्ट्रेन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बेयर्स अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन ऑर्डर आएगा तीन की रिंग में देखो चौबीस फिर है चार की रिंग नाइन पॉइंट फाइव फिर है छह रिंग फाइव पॉइंट फाइव और फिर है पांच किरिंग पॉइंट फाइव आया ना पॉइंट फाइव आया ना भाई यह है स्ट्रेन ऑर्डर बेयर्स के हिसाब से और मुझे बताओ बेयर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया बेयर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया बेयर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर आया कि पांच की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल छह से छह की ज्यादा स्टेबल चार से चार की ज्यादा स्टेबल तीन से ये बेयर्स का स्ट्रेन और स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके सामने आ गया ये देखें, पांच है छह है चार है तीन है तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है मैं आपको लेकर चलता हूं ये हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी कर ली स्ट्रेन एंगल फॉर्मूला कर लिया अभी हम वापस यहां आएंगे अभी हम यहां वापस आएंगे आप देखें यह थियोटिकल एक्सप्लेनेशन है थियोटिकल एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई अब एक टॉपिक से बेयर की ऐसी की तैसी हो गई आइए ऐसी की तैसी बताते हैं कैसे सारे लोग इस टॉपिक को देखो तभी दोनों पॉइंट्स रिलेट किए जा सकते हैं हेट ऑफ कंबसन हेट ऑफ कंबसन हेट ऑफ कंबसन ये शॉर्ट में बोलते हैं एचओसी अगर आप किसी चीज को कंप्लीटली जला देते हैं तो जो इंथाइल्पी चेंज है वो एच है हेट ऑफ कंबसन ध्यान से सुने बहुत सिंपल है इंथाइल चेंज इंथाइल्पी चेंज अब देखना अभी कैसे रिलेट करेंगे चीजों को इंथाइल चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड गेट्स कंप्लीटली गेट्स कंप्लीटली बर्न पूरा जला दो आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज जलाने को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं पिछला कह रहा है तो क्या मेरा ऑक्सीडेशन किया गया है हो सकता है तुम्हें तो ऑक्सीडाइज किया गया हो बार बार कई बार हर बार इन ताल बी चेंज वन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज देखो मगर बोर्ड पर जैसे मान लो हमारा कंपाउंड है ए ए a. A को हमने जला दिया ओटू में ए को हमने जला दिया ओटू में जलाते समय मान लो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी जलाते समय हमें मान लो कुछ एनर्जी देनी पड़ी और मान लो ये जल गया मान लो जल गया जल गया जल गया कंबसन प्रोडक्ट आ गया कंबसन प्रोडक्ट आ गया और मान लो एनर्जी रिलीज हुई वाई तो मेरे भाई एच जो है एच ओ सी हेट ऑफ कंबसन क्या ये वाई माइनस एक्स होगा या नहीं बताइए y वाई माइनस एक्स होगा या नहीं तो हेट ऑफ कंबसन है वाई माइनस एक्स दो का दिया आप पांच का निकला तो भैया फाइव माइनस टू नेट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो तीन की हुई है तीन की हुई है एंथेल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आप आगे चलकर फिजिकल केमिस्ट्री में और बढ़िया पढ़ोगे फिलहाल मेरे भाई अब ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है चीज लो जलाओ एंथेल्पी चेंज नोटिस कर लो लिख लो डेटा कितना आया भैया हमारे पास बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे हीट ऑफ कमोशन नोटिस किया जाता है अच्छा डेटा इसका इतना आया इसका इतना आया इसका इतना है इसका इतना लिख लिया हमने मुझे बस ये बताओ सारे लोग देखना हीट ऑफ कंबसन हीट ऑफ कंबसन अगर जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है तो बताओ हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा या नहीं बताओ अगर जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा या नहीं बताइए 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 हीट ऑफ कंबसन अगर ज्यादा है आई I मीन mean, मैं कह रहा हूं अगर मटेरियल जलाने के लिए ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा या नहीं आएगा बस इतना बताओ तो मेरे भाई हीट ऑफ कंबसन चेक करने का सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर कार्बन ज्यादा है ज्यादा जलेगा ज्यादा जलेगा तो एचओसी ज्यादा आएगा लेकिन मुद्दा तब है कि मान लो कार्बन एटम सेम हो जाए अगर कार्बन एटम सेम है ध्यान से सुनो मान लो ए स्टेबल हो गया ए ए स्टेबल है तो बताओ क्या तुम्हें एक्स बढ़ाना पड़ेगा या नहीं जलाने के लिए ज्यादा एनर्जी तैयार हो जाओ भैया ओके हम स्टेबल है हम क्यों जलेंगे क्या ना तुम्हें ऐसे की तैसे हमें एनर्जी और दे देंगे x अगर बढ़ गया तो वाई माइनस एक्स घट जाएगा बताइए अगर ए स्टेबल हो गया सुन रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी एक्स के फॉर्म में देनी पड़ेगी और वाई माइनस एक्स कम हो जाएगा तो क्या आपने अभी अभी समझा कि हम वन अपॉन स्टेबिलिटी से इसे रिलेट कर सकते हैं एंड यू नो दैट स्ट्रेन होता है वन अपॉन स्टेबिलिटी ओ माय गॉड क्या हम एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेन और स्टेबिलिटी को यहां रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं मेरे भाई ये थियोटिकल प्रोसेस नहीं है ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है चीजों को एक्चुअली जलाया जाएगा और जला के उसके इंटाइल बोले तो हीट ऑफ कंबसन को चेक किया जाएगा लेकिन ये वाले पोर्शन में आप तभी जाए जब पहले वाला नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो जाए अदरवाइज इधर जाने का कोई फायदा नहीं है भाई आप अगर सीधे इधर चले गए स्ट्रेन स्टोर बड़ी हो जाएगा पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम अब देखिए क्या हुआ दो जूनियर साइंटिस्ट को यह काम दिया गया खूब सारे कंपाउंड दे दिए गए खूब सारे कंपाउंड खूब सारे कंपाउंड दे दिए गए और बोला गया जाओ जाओ और जला जला के इनका एचओसी लिखो डेटा लिखो जाओ जाकर जला जला के यस हेलो यू आर राइट जाओ जला जला कर इनका हेट ऑफ कंबसन डेटा लिखो तो क्या हम क्वेश्चन कर ले आओ जी अभी देखना बेयर को कैसे लपेटेंगे ये दोनों ये दो जूनियर साइंटिस्ट थे इन्हें कंपाउंड इन दिए गए अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेट ऑफ कंबसन सारे सुनना तभी मजा आएगा मेरे भाई इन इन्हें दिया गया ये देखो इथेन, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन बताना है बेटा हीट ऑफ कंबसन चुप रहने से कुछ नहीं होगा जवाब दो जवाब मेरे सवालों का जवाब दो ना सारे बोलो सारे मुंह से बोलो जल्दी बोलो सारे देखो भाई बताओ जल्दी बताओ बहुत आसान है यार ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्या आपने सीधा सीधा कार्बन एटम गिनने तो आंसर आ गया फोर थ्री टू वन ये सारे कर लेना थर्ड बता दो बस थर्ड बता दो थर्ड थर्ड बताओ थर्ड बताओ, थर्ड बताओ रे थर्ड थर्ड का जवाब दो थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो वेल्डन साई वेल्डन साई का जवाब सही है लक्ष्य वेल्डन शुभम खच्चरपंती मत करो हेमंत वेल्डन मेरे भाई थर्ड क्वेश्चन पर आओ पहले हमें चोसी निकालना है तो एच के लिए फंडा क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कार्बन है सात इसमें है छह इसमें है छह तो क्या कोई अंधा भी बता देगा कि फर्स्ट का ज्यादा हो गया अब बताओ इसमें छह कार्बन और इसमें कार्बन सेम हो गए या नहीं और अगर कार्बन सेम हो गए हैं तो क्या हम पे लगाएंगे वन अपॉन स्टेबिलिटी बताओ फिर हम लगाएंगे वन अपॉन स्टेबिलिटी राइट तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है बताइए इसमें रेजोनेंस है इसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसमें रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल है मेरे भाई ज्यादा स्टेबल है तो इसका एचओ कम जवाब आ गया है भाई साहब सारे देखो बोर्ड पे देखो जल्दी देखो सारे देखो जल्दी देखो ये स्टेबलाइज था तो इसका एच कम हो गया इसका एच कम हो गया भाई मेरे भाई अब इसी उधेड़ बुन में इन दोनों ने क्या जला डाला वो देखो दिल खुश हो जाएगा आपका तारे देखना तारे देखना मजा आ जाएगा तीन चार पांच और छ की रिंग को आग लगा दी आग क्या आप मेरे भाई समझ रहे हैं या नहीं तीन चार पांच छ की रिंग को जला डाला बताओ एच का ऑर्डर क्या आएगा बताओ रे एच का ऑर्डर क्या आएगा उन्हें जो वैल्यू मिली है एचओ का ऑर्डर क्या आएगा वेल डन साइन एच का ऑर्डर क्या आएगा भाई बोलो 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 सबका जवाब सही है नंबर ऑफ कार्बन एटम से देखेंगे फोर थ्री टू वन आया उन्होंने ध्यान से सुनना मेरी बात को एक्सपेरिमेंटल है बहुत ध्यान से सुनना उन्होंने तीन की रिंग को जलाया होगा कोई वैल्यू आई होगी वो रजिस्टर में लिखी चार की रिंग से कोई वैल्यू आई होगी वो रजिस्टर में लिखी उन्होंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू और हमको मालूम है फोर थ्री टू वन आंसर है इसमें कार्बन ज्यादा है इसमें कम इसमें और कम इसमें सबसे कम यही आंसर आया अब चलो वापस क्या तुमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हीट ऑफ कंबसन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोचो 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 अगर रिफरेंस सेम होता तो क्या है ओ डेटा स्टेबिलिटी और स्ट्रेन का आइडिया देता या नहीं अगर रेफरेंस अगर रेफरेंस सेम होता तो क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको स्ट्रेन और के बारे में आइडिया देता या नहीं? जो बेर्स ने थियोरी दी थी उस थ्योरी को हम यहां वेरीफाई कर सकते थे या नहीं लेकिन मेरे भाई समस्या बस इतनी है कि इसमें अलग अलग कार्बन एटम है अलग अलग कार्बन एटम है तो एक जूनियर साइंटिस्ट ने दूसरे से कहा कि और अगर इनका रेफरेंस सेम होता तो हम पता कर लेते कि बेयर अंकल ने जो ऑर्डर दिया है वो सही है या नहीं उसमें एक बंदे ने कहा कि हम अभी भी कर सकते हैं हम अभी भी कर सकते हैं दूसरे ने कहा कैसे कर सकते हैं उसने कहा देखो भाई जो वैल्यू हमारे रजिस्टर में लिखी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये वैल्यू है किसकी क्या एक्स वैल्यू इन तीन ग्रीन सी एच टू की वजह से है या नहीं सारे बोलना मजा आ जाएगा देखना उसने कहा तीन ग्रीन सी एच टू की वजह से उसने कहा ये वाई वैल्यू क्या इन चार ब्राउन सी एच टू की वजह से है या नहीं उसने कहा उसने कहा ये जेड वैल्यू पांच ब्लू सी एच टू की वजह से है या नहीं उसने कहा भाई है उसने कहा और अगर हम बात करें डब्ल्यू इन छह सी एच टू की वजह से है या नहीं तारे सुनना ध्यान से उन्होंने कहा हा है उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी की तैसी अगर मैं एक्स को तीन से डिवाइड कर दू अगर मैं एक्स को कर दू डिवाइड तीन से और वाई को डिवाइड कर दू चार से और जेड को डिवाइड कर दू मैं पांच से और डब्ल्यू को डिवाइड कर दू मैं छह से तो क्या आपको एच पर सी मिल जाएगा एच पर सी एच टू मिल जाएगा यानी कि तब बात इसकी 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 और इसकी होगी मेरे भाई क्या जबरदस्त आइडिया है एचओ सी पर सी एच टू और आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको बिल्कुल सही जगह ले जाएगा जबरदस्त चीज थी जबरदस्त और उन्होंने जब ये डिवाइड करके वैल्यू निकाली उनका भेजा खराब हो गया वो एक दूसरे को निहार रहे हैं देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा डर भी रहे हैं तीन चार पांच एंड छ का मेरे भाई एच ओ सी पर सी एच टू एच ओ सी पर सी एच टू डेटा जो आपको पता है स्ट्रेन डेटा भी होगा स्ट्रेन डेटा वो क्या निकल के आया मेरे भाई ध्यान से सुनिए ये निकल के आया तीन की रिंग में चार से ज्यादा तीन की रिंग में चार से ज्यादा तुम कहोगे इसमें काहे की टेंशन है बेयर अंकल ने भी तीन किरिंग में चार से ज्यादा ही बताया था कह की टेंशन है अरे टेंशन आगे आ रही है देखिए वैल्यू के हिसाब से आया तीन चार पांच एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जबकि बेयर अंकल ने थियोरी दी थी उनका स्टेन ऑर्डर है थ्री फोर सिक्स फाइव और एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा है थ्री फोर Five, six, मैं फिलहाल यहां लिख दूं कि वेयर अंकल गलत साबित हो चुके हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने अभी अभी जो प्रूफ किया है वो है एचओ सी पर सीएसटू बोले तो स्ट्रेन ऑर्डर एच ओ सी पर सी एस टू बोले तो स्ट्रेन ऑर्डर ये है तो मैं आपको वापस लेकर चलता हूं की वो गलती को तो सुधारना ही पड़ेगा सारे देखो ध्यान से मैं उसी बेयर की हेडिंग के बाद में आ गया हूं बट एच ओ सी पर सी एच टू डेटा तो सही वाला है स्ट्रेन ऑर्डर इज बहुत ध्यान से सुनना अभी पिक्चर बाकी है तीन की रिंग चार की रिंग पांच की रिंग एंड छह की रिंग और यही क्या हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर मिला या नहीं स्टेबिलिटी ऑर्डर मिला या नहीं वो मिल गया छह किरिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है पांच किरिंग से और फिर ये है चार किरिंग और फिर ये है तीन किरिंग अब बेयर को जब ये बात पता चली उसका मूड खराब वो डैश डैश करने पहुंच गया उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर यू तुमने मेरे ऑर्डर को गलत साबित कैसे किया उन दोनों ने कहा सर देखो हमने कुछ नहीं किया है हमने एक्सपेरिमेंट करके जला के और ये डेटा निकाला है आप भी चेक कर लो बेयर चिल्ला रहा था उन्होंने कहा देखो हमारे एसकेम सर बोलते हैं कि सच बात खुला सीना तान कर बोलनी चाहिए बेयर नहीं कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एसकेम सर के स्टूडेंट हो चलो उन्हीं के पास चलते हैं बात को समझने के लिए मेरे भाई बेयर कह रहे ये कहना चाहता है कि मान लेते हैं कि भैया ये ऑर्डर आया ठीक है कहां गया यार कहा क्या है हाँ हीट ऑफ कंबोशन हां बेहर मेगा मान लेते हैं ये सही है लेकिन आप मुझे इस वैल्यू को तो समझाओगे ना कि पांच कीरिंग में पॉइंट फाइव डिग्री का एंगल स्ट्रेन और छह रिंग में मात्र की रिंग में ज्यादा आ रहा है फाइव पॉइंट फाइव अब वो कह रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट बोलता है कि छह रिंग ज्यादा स्टेबल है तो छह किरिंग में एंगल स्ट्रेन ये नहीं होना चाहिए साढ़े पांच नहीं होना चाहिए छह किरिंग में एंगल स्ट्रेन पॉइंट से जीरो के बीच में होना चाहिए जीरो से पॉइंट के बीच में होना चाहिए 5.5 नहीं होना चाहिए जब वो सारे बच्चे आए तो मैंने कहा भी देखो बेयर तुम्हारी गलती यह है कि तुमने साइक्लो एल्केन को प्लेनर माना है उसने कहा सर हां मैंने कहा तुमने मुझे पता चला है तुमने एक बार मीथेन को दबोच लिया था कह रहा सर वो हाँ ऐसे ही थोड़ा सा कांसेप्ट पता करना था मैंने अब मीथेन को दबोचने के बाद तुमने छोड़ा तो क्या हुआ उसने कहा सर वो अपने 109 के एंगल पर पहुंच गया था मैंने कहा यानी कि मीथेन को पता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल कहां होगा मीथेन को पता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल कहां होगा उसने कहा यस मैंने कहा इसी तरीके से हर कंपाउंड को पता होता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल कहां होगा इट कैन बी एक्सप्लेन बाय ध्यान से देखें दैट साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्केन्स आर नॉट प्लेनर साइक्लो एल्केन्स आर नॉट प्लेनर अच्छा तीन की रिंग को छोड़ के ट्राइंगल यूनिवर्सली प्लेनर होता है साइक्लो प्रोपेन को छोड़ के ठीक है दे एग्जिस्ट दे एग्जिस्ट इन वेरियस नॉन प्लेनर फॉर्म्स नॉन प्लेनर फॉर्म्स मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन साइक्लोहेगजेन जो तुमने वो माना था ऐसा सीट लाइट स्ट्रक्चर ऐसा 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 नहीं होती छिंग छिंग के कुछ कार्बन डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसा होता है ताकि वो अपना बॉन्ड एंगल 120 नहीं 109 के करीब रख ले साइक्स अल्फा अप्रोचेस टू 109 28 डिग्री जिसकी वजह से डेल्टा जो होता है इसके पास जीरो को अप्रोच करता है साइक्लो में कार्बन अप डाउन अप डाउन होते हैं तो मेरे भाई बेयर्स के ऑर्डर को करेक्ट करते हुए हमने एच को भी कर लिया है एंड आठ क्वेश्चन ये थे दो क्वेश्चन आप अपने घर ले जाओ सही है जी बस हो गया आज के लिए इतना ही अगली क्लास में हम आपको सीट से होमवर्क देंगे अभी मत करो या फिर एक काम करो सुनो एक टॉपिक है यार रेजोनेंस एनर्जी अगली क्लास में वो करा दूंगा फिर होमवर्क दूंगा ठीक है अभी अभी एक और चीज सुनो 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 इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के क्वेश्चन जो मैंने आज एड किए हैं वो नहीं करना है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के आज जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं अभी वो नहीं करना है ठीक है आज जो ऐड किए वो अभी नहीं करना है वो अगली क्लास से करेंगे चलो बाय बाय